सभी लोगों का अंशु मिश्र के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर, और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर मतलब मेरे को भी पता है, मेरे को याद भी नहीं है सच्चे बताओ कि कितने महीने हो चुके हैं कि इस वर्ल्ड में वीडियो आई है। तुम लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने महीने हो चुके हैं। एंड बाय द वे, जिसको भी नहीं पता है, हम लोगों ने 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज लिया हुआ है, और ये कौन सा दिन है, आई थिंक ये सातवां दिन है, बट पता नहीं, पक्का नहीं पता है। तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो जितने भी लोग देख रहे हो, जो भी नए प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। 6 मिलियन की तरफ को चल रहे हैं, स्ट्रीक बरकर आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार कैसे भी 100 डेज 100 वीडियोस आती रहे, सो लेट्स गो। और पता है ये ना एरिया अच्छा नहीं लग रहा है यार, वो छुप रहा था क्या वहां यार, एरिया अच्छा लग रहा है, काम करते छत पे चलते, जल्दी चलो छत पे देता हूं इंट्रो, ठीक है। ओए ओए, अबे मेरे घर में मेरे को बुला, ओए खोल खोल इसको, मेरे घर में मेरे को ही ना कुछ, रुक जाओ पासवर्ड होगा यहाँ का, पासवर्ड होगा, खुल जा से, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, नहीं है, चैन कुली की मैन कुली, ये भी नहीं है। अबे चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अबे ये भी लिया भाई, क्या है यहाँ का पासवर्ड, ओए खोल 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 ले, और आदमी जैसा पता नहीं क्या, मेरे घर में मुझे ही नहीं घुसने दे रहे हैं। तुम लोग देख रहे हो क्या हालत हो गई मेरी, इतना टाइम हो गया कि मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में नहीं गया, ये लोग लिटरली मेरे को ही नहीं आने दे रहे मेरे वर्ल्ड में। मतलब तुम भाई, एक हद होती है भाई चीजों की, तुम मेरे को ही मेरे वर्ल्ड में नहीं आने दे रहे हो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मेरे को। अच्छा हमसे बदमाशी करेगा, हाँ यार ये पता नहीं है, इसको लग रहा है भूल गए ये लोग, ये किसकी मूर्ति लगी है सामने, है ना, थोड़ा निकले नहीं है लग रहा कासल के बाहर, बात करेंगे। हाँ नहीं तो इंडिया का फ्लैग, भाई की मूर्ति, तुम हल्के में ले रहे हो क्या। ये है हम लोगों का सर्वाइवल वर्ल्ड, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है बनाने में, बट ये सच्ची बताओ ना, ये मेरा बहुत प्राउड वर्ल्ड है। और एक और वर्ल्ड है जो तुम लोगों को आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हो सकता है मैं तुम लोगों को एक दो बार और दिखाऊं, अगर तुम लोगों को पता होगा मैं कौन से वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। बट उससे पहले मेरे को एक सेकंड देना, ये वाले वर्ल्ड का मैं तुम्हें टूर देता हूं, बट एक मिनट मैं पहले थोड़े से रॉकेट्स लेके आता हूं। चलो दोस्तों देते हैं तुम लोगों को एक बढ़िया सा टूर। तो ये है अपना कासल, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है, सही बता रहा हूँ, मैंने तो अभी प्रॉपर इसी में रहना स्टार्ट कर दिया है। बट अगर तुम लोग कासल के सामने से आते हो ना, तो ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ, बट फिर भी तुम लोग अगर कासल के सामने से आते हो तो तुम्हें ये एरिया दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद अगर तुम यहाँ से लेफ्ट लेते हो तो आती है हमारी मार्केट एरिया, जहाँ पर तुम लोगों को कुछ भी जो तुम्हें चाहिए, सारे मैक्सड आउट बंदे हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम यहाँ से खरीद सकते हो आराम से और सस्ते दामों में, क्योंकि ये बंदे अपने बहुत ज़्यादा सही हैं, सही प्राइस बेचते हैं। अगर तुम लोग पिकनिक एरिया में पिकनिक मनाना चाहते हो, और बेटे कैसे चल रहा काम वाम, सब सही है, सब सही, बहुत टाइम हो गया ना, भूल गया मालिक कौन है। तो यहाँ पर तुम आके पिकनिक विकनिक भी मना सकते हो, बढ़िया वाटरमेलन खाओ, सब करो बढ़िया एकदम मजे, हाथ धो यहाँ पे, सॉरी ये तो कूलर है, इसमें से तुम वो निकालो, कोल्ड ड्रिंक्स निकालो, मजे करो। और उसके बाद यहाँ पर आता है तुम्हारे भाई का एक मस्त सा स्टैचू, और उसके साथ साथ हम लोगों का एक बढ़िया सा अपना बीकन है जिसमें हम लोगों ने अपना इंडियन फ्लैग बनाया हुआ है ऊपर से। नीचे से इतना कूल नहीं दिख रहा है ये, बट दूर से देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लगता है, लाइक नीचे से भी कूल दिख रहा है ये, पहले नीचे था फिर मैंने कहा यार मेरे सर के ऊपर ही होना चाहिए फ्लैग, क्योंकि इंडिया का फ्लैग है भाई, सीधी सी बात है, तो इसलिए इसको मैंने ऊपर को कर दिया और थोड़ा और बड़ा कर दिया ताकि दूर से और क्लियर दिखे। देख लो जितना हम पीछे जाते जा रहे, देख लो कितना मस्त लग रहा है इंडिया का फ्लैग, वही चीज़ है। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि प्रॉपर ऐसे थोड़ा सा और झंडे जैसा बनाया जाए। इधर को आते तो हमारी कुछ यूजलेस चीज़ें भी यार मैंने कभी यूज़ नहीं करी, मैं सही बताऊंगा। ये है अपना क्या कहते हैं स्टोरेज रूम, जो कि पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है, मतलब तुम यहाँ पर कुछ भी सॉर्टिंग कर सकते हो, प्रॉपर आइटम सॉर्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे के पूरे, जिसमें मैंने सच्ची बताऊँ कुछ भी सॉर्ट नहीं कर रखा है अभी तक का। और उसके बाद इधर को आते तो अपना आयरन फार्म है, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा आयरन ही आयरन है, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है, बस हम लोगों को कैसे भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा एक बार, और इसको ऑन भी करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग ऑन कर दें, ठीक है, और थोड़ी देर रुके तो ये वो मर गया है क्या वो, अभी ये क्या हो गया, नहीं नहीं सही तो है, हाँ यहाँ पे पिलेजर है तो सही, वो पिलेजर अपना मुंह छुपाता है बेसिकली, फिर वो पिलेजर का मुंह दिखता है, और ये देखो यहाँ पे ऐसे करके आते रहते हैं, ठीक है। अब वो पिलेजर का मुंह छुप चुका है और वो हट ही नहीं रहा है,
मेरे ख्याल से फार्म बहुत टाइम तक का बंद रखने की वजह से खराब हो गया। यहाँ पर अपना रेड फार्म है जहाँ पर हम लोग रेडिंग वेडिंग करवा सकते थे, ये अपना मैनुअल पोटैटो एक्सपी फार्म है, फिर यहाँ पर अपना एक प्रॉपर शुगर केन फार्म था, बट ये बार बार खराब होता रहता है। ये हमारा वॉर म्यूजियम जिसमें आज तक का मैं वो बचे हुए 6-8 ट्रिम नहीं लेके आया हूँ, बट बाकी का 8 ट्रिम है, बहुत कूल लगता है कसम से। मेरे को करना है, मैं सोच रहा एक स्ट्रीम मार दूँ जिसमें मैं बचे हुए 8 ट्रिम्स लेके आऊँ, ठीक है। एक ट्रिम एक्चुअली मेरे ऊपर भी पड़ा हुआ है, स्नाउट ट्रिम, तो उसकी भी कमी है यहाँ पर, बट आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हटते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आते हैं इधर को। तो यहाँ पर अपना ये वर्किंग है, आएगी हाँ, ये तो वर्किंग है यार, ये तोड़ा नहीं था मैंने, आई होप। यार पता नहीं यार, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, मेरे को सच्ची में कुछ नहीं याद आ रहा है, बताए। अरे भाई यार तू मेरे को यहीं चढ़ा दे यार, बस हाँ यहीं चढ़ा दे, मैं खुद चले जाऊँगा, पैदल चल जाऊँगा मैं। चलो अभी ये करते हैं, ठीक है, ऑन, लेट्स सी क्या ये काम कर रहा है। आई थिंक ये काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, वहाँ पे TNT नहीं है, कैसे काम करेगा ये? काम कर रहा है बट वहाँ पर एक TNT लगाना है, ठीक है। TNT ड्यू पर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, अगर तुम देखोगे तो, बाकी सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पर का TNT ड्यू पर नहीं है, यहाँ पर TNT नहीं है और एक कोरल भी नहीं है। हाँ मेरे को ये कोरल लगाना पड़ेगा, बट ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना एक और वो है फार्म है जो कि परफेक्ट काम करता है, ये है वो आयरन फार्म जो हमेशा काम करता है भाई। वो मैंने बड़े स्केल वाला बना तो दिया है बट वो हमेशा काम नहीं करता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अपना कैक्टस है, दा कैक्टस, सबको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है ना भाई, कोई नहीं भूले। उसके बाद यहाँ को आते हैं तो ये अपना वूली है जो हम लोगों को वूल देता है बहुत सारा, एंड आई गेस अगर मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, वैसे सीधी सी बात है कि ऑन तो रहता नहीं है, लेकिन तब भी हाँ देखा शेयर्स सारे, क्योंकि ऑन ही नहीं रहता वर्ल्ड, अगर मैं इसको ऑन करके छोड़ दूँ तब यहाँ के शेयर्स कम होंगे, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा वूल, आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा वूल की हम लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर इधर को आते तो अपना शुगर केन फार्म है जो कि हमें अनलिमिटेड शुगर केन देता है। फिर इधर को आते तो अपना वीट फार्म है जो हम लोग को अनलिमिटेड वीट देता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास बहुत सारी जगह ही, अपना मस्त वाला पोर्टल है जिसमें से डीमन हैंड निकल रहा है और उसने आधा नेदर आधा मतलब आधा क्रिम्सन आधा वॉर्प्ड बायोम बना के रख दिया है ऐसे करके। ये मैंने हमेशा ऐसे रखा हुआ है क्योंकि हमारा पुराना घर है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, ये अपना पहला घर था तो ये हमेशा रहेगा। और इसी टूर के साथ गाइज आज हम लोग बनाने वाले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज, क्योंकि मेरे को सपना आया कि भाई मेरा पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो न्यूक हो गया है। मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं इस वर्ल्ड को शुरू करने से पहले मैंने पूरा चेक कर लिया भाई कि मेरे वर्ल्ड में कुछ हुआ तो नहीं, खराब तो नहीं हुआ है, बट मेरे को बहुत ही खतरनाक सपना आया भाई। मैं तुम्हें लग रहा होगा मजाक कर रहा है भाई, वीडियो के लिए झूठ बोला, बट मेरे को जेन्युइनली सपना आया कि मेरा पूरा वर्ल्ड फटने लग गया। तो पता नहीं क्यों मेरे को मन किया कि भाई एक न्यूक बंकर होना चाहिए, अगर बाय चांस ऊपर का पूरा वर्ल्ड कोई आके डिस्ट्रॉय भी कर जाए, समझ लो लावा गिरा दे या कुछ कर दे, तोड़ फोड़ मचा दे, TNT से फोड़ दे, तो अपने पास कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो, कि मतलब न्यूक प्रोटेक्टिव, बेसिकली एक न्यूक बंकर, जैसे उसमें होता है ना फॉलआउट में कि अगर बाय चांस न्यूक गिर गया कभी या कुछ हो गया तो कुछ तो होना चाहिए बंदे के पास प्रोटेक्शन के नाम पे कि वो बंदा बच पाए। तो आज हम लोग बनाने वाले एक बहुत ही खतरनाक वाला न्यूक बंकर, पहले जाके सो के आते हैं क्योंकि न्यूक बंकर ये रात को भाई इधर लाइट वाइट का थोड़ा सीन है ना, तो न्यूक बंकर छोड़ो अपन ही, ओए हट रे, अच्छा हट हट हटे, दिमाग खराब, पहले तो मेरे को मेरे घर में बंद करा इसने और उसके बाद इसको सोना भी है मेरे बिस्तर पे, बात करेगा इधर बदतमीज कहेगा। तो मैंने जो सोचा हुआ है न्यूक बंकर कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, न्यूक बंकर बनाएंगे इस जगह पे, ठीक है। ये मेरे को एकदम परफेक्ट जगह लग रही है क्योंकि ये बिल्कुल अपने क्या कहते उसे कैसल के बिल्कुल बगल में आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाते हैं, एक चीज़ करते हैं, पता क्या इसका एक सेंटर लेते हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इस एरिया का सेंटर लेते हैं और उसके बाद वहाँ का सेंटर लेंगे। मेरे को पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि इधर का सेंटर लूँ उधर का सेंटर लूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से गिनते हैं कि ये कितना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, मम्मी मुझे नान खटाई खानी है, सॉरी क्या था ये 37, अबे यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 30 के 35, फिर इसको इधर से उधर तक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 मान लेते हैं, 43 का हाफ कितना होगा, 42 का आधा होता है 21, तो 22 पे आ जाएंगे, ठीक है। 35 का आधा क्या होगा, 34 का आधा होता है 17, तो 18 पे आ जाएंगे,
तो 22 18, ऐसे 22 और ऐसे 18, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 22 और 18, ठीक है। तो ऐसे 18 और वैसे 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 18, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से सीधे गिनेंगे हम लोग 22, चलो यहाँ से 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22। तो गाइस ये मेरे को सेंटर मिल चुका है, ये परफेक्ट सेंटर है, ठीक है, इस पूरे एरिया का ये परफेक्ट सेंटर है। तो अब हम लोगों को इसको कुछ ऐसा बनाना है जिससे ना, कैसे बताऊँ, मतलब दूर से पता चल जाए हमको कि भाई कुछ न्यू क्यूक पढ़ने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर एक बेसिकली अलर्टिंग सिस्टम जैसा बनाएंगे जिसमें ऊपर होगा ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे पता चल जाएगी न्यूक पढ़ने वाली है या कुछ होने वाला है क्रेजी सा एकदम। तो चलो उसका डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सेंटर लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पांच, मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ से 1 2 3, ठीक है, इसको लेते हैं, इसको 1 2 3 लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मतलब 5 हो गया ये बेसिकली। फिर यहाँ पर से हम लोग इसको ऐसे करेंगे, फिर एक लगाएंगे, फिर एक ऐसे, ये गलत हो गया क्या? ओप्स, ओके रुको जरा मैं सही करता हूँ इसको। चलो गाइस अब इसको बनाते हैं पूरा का पूरा सर्कल, लेट्स गो। इधर से दो करने, इधर से दो करने। मेरे को कुछ बहुत फनी चीज़ आई जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी कि मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत फनी चीज़ है। भाई मतलब यार छोड़ो यार, ये रहा गाइस हम लोगों को सर्कल, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक टावर जैसा बनाने वाले हैं जो हम लोगों को बेसिकली बताएगा दूर से कि भाई अलर्ट है, अलर्ट है, कि मतलब कुछ होने वाला है, समझ रहे हो। जैसे अगर न्यू क्यूक आती है तो इस टावर से हम लोगों को दूर से ही पता चल जाएगा कि अरे भाई कुछ होने वाला खतरनाक। तो हम लोग ये टावर पूरा का पूरा यहाँ पर बनाने वाले, मेरे को थोड़ी सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करते, मैंने शायद से अपने स्टोरेज रूम में ही रखे थे, देयर वी गो, इसको रख लेते अपने पास। चलो ये हटाते हैं बिगले, इसकी जरूरत नहीं है। तो चलो फटाफट से इस टावर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस इसका काम करना शुरू करते हैं। हम लोगों को बेसिकली 1 2 3 सेम इस पे जो हम लोगों ने बनाया है ना, 5 बाई मतलब 5, बेसिकली 15 हाइट का एक गोला बनाया हम लोगों ने। 15 हाइट कैसे बोल रहे हो तुम लोग, 15 लेंथ, सॉरी सेंटर से, मतलब ये बेसिकली ये ऐसे में 15 है, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग कैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले मेरे को जनरली सर्कल बनाने नहीं आते थे माइनक्राफ्ट में, बट फिर मेरे को एक ट्रिक पता चली और वो ट्रिक से बहुत ईजी हो गया पत्थर, मतलब सर्कल्स बनाना। अगर तुम लोगों को भी जाननी है, बाई चांस अगर तुम लोगों को भी नहीं पता है, वैसे तुम लोगों को काफ़ी कुछ पता है भाई माइनक्राफ्ट में, बट अगर बाई चांस नहीं पता होगी मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली वीडियो में पक्का एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यस फटाफट से इसको 3-3 की हाइट से उठा देते हैं, ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोगों को बस एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसके ऊपर ना हम लोगों को स्लैब्स भी रखने पड़ेंगे, मैं कुछ ज़्यादा ही बनाती बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है यार, गलती से बन गए घर बन गए यार, कोई नहीं यार, ठीक है। इसको हम लोगों को इसके ऊपर रख देना है, चलो चलो चलो, देयर वी गो, जिगी जिगी, हे रूबी रूबी, राबा राबा, जूबी जूबी, जावा जावा, चिप्पी चिप्पी, बूम 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 बूम, पता नहीं भाई क्या गा रहा हूँ, देयर वी गो, ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोगों को बस एक चीज़ की जरूरत है, जो कि अपना वाइट कंक्रीट और ब्लैक कंक्रीट, जो कि अपने पास नहीं है एज यू नो। तो हम लोग कंक्रीट की जगह क्या करने वाले, लाइक मैं बना सकता हूँ बट फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, राइट, जब अपने पास वूल पड़ा हुआ है तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग रेड और वाइट वूल लेके चल देते हैं यहाँ पर से, ठीक है, एक एक दो दो स्टैक लेके चल देते हैं। भाई साहब वाइट वूल भी धड़ा धड़ा आ रहा है, लेकिन वाइट वूल वैसे नहीं है कि अच्छा है तो सही, ठीक है, एक और रख लेते हैं रेड, यार वाइट थोड़ा और चाहिए होगा, कहाँ है वाइट, ये रहा ना वाइट, ठीक है। चलो अभी चलते हैं फटाफट से, और ये वाइट मतलब वूल से बनाते हैं बेसिकली, कंक्रीट से बनना चाहिए वैसे, बट ठीक है ना कोई बात नहीं भाई, देखो इसीलिए कहते हैं कि अडैप्ट, यू नो, अडैप्ट टू द सिचुएशन यार, ऐसे नहीं कि इस चीज से बनता है तो इसी से बनता है, क्यों बनता है, ये माइनक्राफ्ट है जो मर्जी उससे बना दो चलो इसको भी हम लोग सेम करेंगे 3-3 के हाइट पे, तो 1 2 3, ठीक है, इसको सेम चीज हम लोग 1 2 3, लेकिन इस बार एक चेंज है बस, हम लोग सेम बनाने वाले पूरा, बट एक अंदर, समझ रहे हो, वही जो 5-5 का हम लोग बना रहे थे ना वही सेम है, बट इस बार बस डिफरेंस इतना है कि ये एक अंदर बन रहा है। चलो भाई ठीक है, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे नहीं ऐसी तेज बन रहा है यार ये, बस
बना लिया तेज। चलो इसको फटाफट करके मिलता हूँ। तो गाइस देखो, हम लोगों ने इसको रेड से भी कर दिया। अब आती है अगली बारी, जो कि दोबारा से हम लोग सेम चीज करने वाले हैं। अंदर को बनाएंगे 3 हाइट का। इस बार बस डिफरेंस इतना रहेगा कि हम लोग बनाएंगे इसको व्हाइट से, ठीक है। 1, 2 और ये रहा 3। गाइस मैंने ऑलमोस्ट वो बना दिया है पूरा का पूरा टावर। एक बार देख लेते हैं साइड से कैसा लग रहा है। बस ये यार ये हरकत अच्छी नहीं लगती ना मेरे को मेरी। मैंने देखो उसको कितना ज़्यादा वो कर दिया है अगल बगल से, एक्स्ट्रा निकल रहा है जो। खैर इसको हम लोग एंड में तोड़ देंगे तो अच्छा ही लगेगा, बट अभी के लिए फिर भी हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा ना, अभी भी तो अच्छा लगने की जरूरत है। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले ना, एक डिफरेंट रहेगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब हम लोग इसको अंदर से भी एक लेयर बनाने वाले हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे हम, वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो तुम लोगों को भी पता चल जाएगा। चलो 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 चलो, बूम 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 बूम, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों को इसको खाली 2 हाइट और ऊपर करना है, 1, 2, और सेंटर में एक छोड़ देना है फॉर विंडो, ठीक है। देर वी गो। चलो 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 भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होने वाली है हमारे वर्ल्ड के लिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये हम लोगों को बताएगी बेसिकली कि कोई वो होने वाला है, नेचुरल डिजास्टर तो नहीं बोलेंगे, खैर इसको मैन मेड डिजास्टर ही होगा अगर न्यूक्लियर जाती है तो, बट स्टिल समझ रहे हो, ये हमें बहुत ज़्यादा बचाने वाली है। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, फिर हम लोगों को सेम जैसा ये बनाया ना, सेम इसकी हाइट पर हम लोगों को 2 का और करना है। बस इस बार जो हमने बीच में जगह छोड़ी थी उसको भर देना है, ठीक है। छत वाली मतलब सॉरी खिड़की वाली जो जगह छोड़ी थी ना उसको हम लोग ने भर देना है। देर वी गो, दो 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 दो, बस ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोग को दोबारा से रेड से करना पड़ेगा, और हमारे पास रेड है नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा एक और बार लेने के लिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इसको 2 हाइट जितना है उतना यूज़ कर लेते हैं, माई बैड। सेंटर वाले को हम लोग दोबारा से छोड़ने वाले क्योंकि एक और खिड़की बनेगी यहाँ पे, ठीक है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 नहीं है, चलो दोबारा से मैं भूल ही जाता हूँ और जल्दी से जाके लेके आता हूँ सामान। अरे यार गिर गया था, अभी चट हो जाती, अभी हो जाती चटपट, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी चोट लग जाती भाई को। यार यहाँ पे वाइट वूल का वो बहुत कम आ रहा है यार, फॉर सम रीजन, नहीं तुम्हें नहीं लग रहा। और ये शेयर भी रख ही लेता हूँ, कितना है अपने पास, खाली 25 बचा हुआ है भाई। वाइट वूल वाइट ये है ना, वाइट इसमें वो नहीं है क्या, शेयर्स है तो तू खा नहीं रही है क्या अच्छे से, है बहन खा पी थोड़ा का वो करना है यार, सामान चाहिए भाई, खा मेरे सामने खा, मेरे सामने खा, ओए मेरे सामने घास खा के दिखा, चल फटाफट 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 खा, नहीं तो अभी बना दूंगा कुक्ड मटन, जल्दी कर। 3, 2 मैं बता रहा हूँ, 1 पे कुक्ड मटन बन जाएगी, जल्दी खा ले। 1, 0 आ गया, मैं ऊपर आ रहा, रुक जा मैं चढ़ रहा हूँ। तू खाएगी नहीं, खा लिया ना इसने, खाया ना इसने, तूने खाया नहीं खाया है? ओए ओए 5 तक की गिनती, फाइनल वार्निंग 5, 4 मैं बता रहा हूं वुली बहुत गंदा होने वाला तेरे साथ, 3, 2, 1 और 0 होते ही तेरी लाइफ का स्पैन भी 0 होने वाला है, रेडी 0। सब देख लो, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बनने वाली है ये शीप, रेडी है, ऊपर देख मेरी आंखों में देख जब मैं तुझे मारने जा रहा हूँ। अरे भाई ये तो निडर शीप है, ये निडर शीप है भाई। तो गाइस मैंने सारा का सारा वो ले लिया, अब एक काम करते हैं इसको फटाफट से बना के मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि इस वाले में टाइम लगने वाला है यार अब, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली जो हमने किया है ना इसको हम लोगों को 4 बार और रिपीट करना है। मतलब जैसे देखो एक बार रेड हो गया, एक बार वाइट हो गया, ऐसी करके हमें रेड वाइट करके 4 बार वाइट होगा 4 बार रेड होगा। चलो अब मैं आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। गाइज हम लोगों ने इसको फाइनली पूरा का पूरा बना दिया है, बट अब आती है बात स्टोन वाले काम पे। तो चलो इसको हम लोग 1, ठीक है, इसको हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, सेम जैसा ये वाइट वाला है ना, हम लोगों को इसको पूरा का पूरा पहले ऐसे करना है, ठीक है। इसको हम लोगों को पूरा का पूरा ऐसे ऐसे करके एक लेयर बना देनी है, ठीक है। बनानी तो बहुत लेयर है बट मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को इसको ऐसे चारों तरफ से एक एक, ये वाला नहीं, एक एक ऐसे करके बाहर निकालना है, ठीक है, चारों तरफ से। तो चलो अच्छा मेरे पास
अरे मैं अभी तक गधा होना है मेरे पास, वो तो बढ़िया है इलाइट्रा, मेरे को लगा गिर गया बट सही था, ये चीज़ सही हो गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना वाटर की थोड़ी सी वो हो गई है, लाइक वाटर प्लेसमेंट थोड़ा सा फास्ट हो गया, नॉट श्योर। तुम लोग भी कभी MLG करके देखना, क्या तुम लोगों को भी लग रहा है कि वाटर प्लेसमेंट अभी नए वाले उसमें थोड़ा सा फास्ट हुआ है, मेरे को फील होता है कभी कभी, तो तुम लोग बताना मेरे को कन्फर्म करके। बस ये हम लोगों को ऐसे करके बाहर निकाल देना और उसके बाद एक एक बस दोनों साइड से बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं इनमें भी एक एक बढ़ा देना है, बस देयर वी गो, शूशी शीशी, देयर वी गो, ठीक है। ये पूरा का पूरा बढ़ चुका है, अब हम लोगों को क्या करना है इस सेंटर वाले को, ठीक है, सेंटर वाले को सिर्फ और सिर्फ एक से बढ़ाना है, ठीक है, बाहर वाला नहीं, बाहर वाले को ही बढ़ाना है, बट अभी नहीं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बट अगर ध्यान से देख के करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ये फाइनल है, इसको हम लोगों को एक बाहर को भी बढ़ाना है, ठीक है। देयर वी गो, एक इधर पे, फिर उसके बाद मतलब जो बेसिकली नीचे वाला है ना उसके जैसा ही दिखना चाहिए, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। बस इतना था कि एक ब्लॉक हम लोगों ने पहले छोड़ दिया, बस इतनी सी बात है, ये हो गया एकदम परफेक्ट। अब हम लोगों को ऊपर वाले को कुछ नहीं, पूरा बंद कर देना है, ठीक है, ये जो हमने बनाया ना इसको हम लोगों को पूरा का पूरा बंद कर देना है। वैसे मेरे को अभी ओवरवर्ल्ड में भी जाना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे स्टोन के स्लैब भी चल जाएंगे, बट नहीं यार चांस नहीं लेते क्योंकि हम लोगों का ये रेड स्टोन का वर्क है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे क्योंकि बिल्ले बग्गे बिल्ली आधा की करेंगी बग्गे बग्गे। अरे यार हम लोगों ने पता है वो मैं बोल रहा था ना नहीं बनाना चाहिए था। तो चलो गाइस अब फटाफट से सो जाते हैं और हम लोगों को जाना पड़ेगा ओवरवर्ल्ड में ताकि हम लोग रेडस्टोन के लैम्प्स बना पाएं ढेर सारे। आई थिंक हम लोगों को बहुत सारे वो चाहिए होंगे, क्या कहते हैं उसे, ग्लो स्टोन चाहिए होगा, ठीक है, डस्ट नहीं प्रॉपर ग्लो स्टोन चाहिए होगा आई होप मेरे इसमें, यस सिल्क टच पड़ी हुई है इस वाली पिकैक्स में। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से एक बार, फिर भी मैं एक बार रीचेक करता हूँ, रुको, रेड स्टोन लैम्प बनता है या एक ग्लो स्टोन चार इससे है ना, तो चलो फटाफट से चलते हैं सीधा यहाँ पर से नेदर में और ढेर सारे ग्लो स्टोन। देखो कितना कूल लग रहा है, देख लो प्रॉपरली लग रहा है ऐसे, देखो दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ समझ रहा हूँ कुछ खतरनाक हुआ है ऐसे करके। तो चलो फटाफट से ढेर सारे रेड स्टोन लैम्प लेके आते हैं जिनको हम लोग फ्लिकर लेकर कर रहे हैं, तुम देखो अभी आगे कितना कूल लगेगा। और अभी तो हम लोगों को एक पूरा बेस भी बनाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कोई नहीं। वो ये हमारा यार वो नेदर वाला वर्ल्ड यार ये क्या क्रेजी बात है, मैं इसको ना स्ट्रीम पे करने वाला था बट मेरे नेट ने मेरे को उस दिन धोखा दे दिया था यार, मेरे को ये करना है पक्का कैसे भी यार, इसको पूरा का पूरा मेरे को एक डोम में कवर करना है ताकि कोई भी गेस्ट वेस्ट इस पर अटैक ना कर पाए जब मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि अभी तो होता है इस पर अटैक, मैं झूठ के बोलूँ यार। हाँ वो रहा है ना वहाँ पर कहीं पर मिल जाएंगे हमें रेड स्टोन लैम्प्स, वो रहा देखो ढेर सारा ग्लो स्टोन है हम लोगों को, कम से कम नहीं भी तो मान के चलो जितना हम लोगों ने बनाया 3 की हाइट कम से कम चाहिए होगी ताकि दूर दूर से भी नजर आए और नीचे से भी नजर आए, वैसे दूर से तो ओए ए घोंचू भाई, इसको हटाओ, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं यार इससे, तो चलो ठीक है अभी क्लेश से काम चला लेंगे, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया था ऐसे। चलो अबे तू किसको डरा रहा, किसको डरा रहा तू है, होंगड़ो 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 होंगड़ करके डरा रहा है, चलना है यहाँ से, और तू भी चल निकल निकल निकल, मेरे पास फायर एस्पेक्ट नहीं है क्या मेरे स्वॉर्ड में, बताओ मजाक हो रही है भाई, अरे चलना हुड़े हुड़े कहाँ है यार, और कहाँ है और चाहिए मुझे, ये रहे, अरे भाई परफेक्ट मरा भी नहीं और परफेक्ट लेट गया यहाँ आके, और कहाँ है बोला लेट गया है भाई, नेदर में विलेजर क्या कर रहा है, व्हाट ओए, अबे नेदर में विलेजर क्या कर रहा है भाई, इसने कुछ तो गंदे काम किए होंगे भाई, इसने कुछ तो पाप करे होंगे, तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो गाइस मैं सारा का सारा सामान लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, हम लोग कुछ नहीं करना है, बस पहले तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बना देंगे इसकी रेल 1 2 3 4, देर वी गो, ये आ गया अपना रेड स्टोन लैम्प, जो बचा कुछ है 1 2 3 4, रुको ये कम पड़ जाएगा 35, इसको निकाल लो, देर वी गो, ठीक है, इसकी भी हम लोगों ने रेड स्टोन लैम्प बना दिया, आई थिंक एंड आई होप इतने से काम हो जाए, नहीं होगा तो दिक्कत होगी। बाकी हम लोगों को क्या करना है, मेरे ख्याल से नहीं भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा है क्योंकि मतलब बेसिकली 3 लगने और उसके बाद इतना बड़ा सर्कल तो है ही, तुम लोग देख ही रहो, ठीक है। तो बाहर वाली जो हम लोगों ने लाइन बनाई थी ना, हम लोग सेम टू सेम उसी में इसको भरने वाले हैं पूरा का पूरा, देर वी गो, चल 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 काम धंधे पे लगो भाई, फटाफट से बनाना है क्योंकि हम लोगों को ना बंकर के अंदर का भी बनाना है अभी, खाली इतने से काम नहीं होगा। और अभी टेंशन वाली बात ये भी है कि हम लोगों को इसको चमकने वाला भी बनाना है, कहने का मतलब है कि ये ऐसे समझ लो उड़ू 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 करे,
अरे यार ये तो बच गया बहुत, चलो बढ़िया है, नीचे काम आ जाएगा बंकर में। चलो ये हो गया, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को बाहर से एक आउटलाइन देनी है, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसा है ऐसी रखेंगे इसको, और बस बाहर से एक एक आउटलाइन देंगे, जैसे ये हो गया, फिर एक ये हो गया, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, फिर एक ये हो गया जैसे। अरे यार मिस मत कर यार भाई, बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए और मेरा बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर से ऐसे करके पूरा का पूरा आउटलाइन करेंगे। चलो चलो चलो, ले लो आलू, ले लो मूली, ले लो, ठीक है ये हो गया। और सेम हम लोग इसी का यूज़ करके इधर से भी खींच देंगे, और उसके बाद इसको पांच इधर को ये ले लो वापस, बस ठीक है। इसको हम लोग ने बेसिकली बाहर से पूरा का पूरा एक तरह से ढक, मतलब कवर हो गया है, तुम समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लगेगा, ऐसे इल्यूमिनेट भी नहीं करेगा कि बहुत दूर से पता चल जा रहा है, बट अच्छा खासा पता चल जाएगा, ठीक है। सेम हम लोगों को क्या करना है, जहाँ जहाँ से हमने पाँच खींचे थे ना, हर जगह से हम लोगों को डबल खींचना है अंदर को ये, ठीक है ये हो गया, फिर यहाँ से भी डबल खींचना है अंदर को, देयर वी गो। अब हम लोग अपना पूरा का पूरा रेडस्टोन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। चलो गाइस काम स्टार्ट करते हैं रेडस्टोन का। हम लोग क्या करना है, तीन ऐसे लगाने हैं, तीन ऐसे लगाने हैं, तीन ऐसे लगाने हैं, बट ये अभी अभी रुको जरा बताता हूँ, वन टू थ्री, और उसके बाद ऐसे करके इनके बगल बगल में हम लोगों को रेडस्टोन मार देना है। अब बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे ये फर्स्ट वाला था तो ये वन पे है, ये टू टिक पे होगा और ये थ्री टिक पे होगा, ठीक है। वन टू टिक थ्री टिक, वन टू टिक थ्री टिक, वन टू टिक थ्री टिक, हाँ ऐसी सब चीज़ें सबके सब हो गए ना, बढ़िया। गाइज यार फाइनली हम लोगों की बंकर लाइट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो घुस चुका था भाई, मैं प्रॉपर देख रहा था, अच्छा ठीक है यहाँ पर रेडस्टोन लगाना है, यहाँ पर रेडस्टोन लगाना, क्योंकि मेरा, मैं मना नहीं करूँगा भाई, मेरा रेडस्टोन वर्क थोड़ा सा वीक है, ठीक है, लेकिन ये काम करेगा आई होप, लेट्स गो। हम लोगों को क्या करना है, देखो इसको पहली बात तो अभी रात हो रही है ना, हाँ ये चीज़ करते हैं, पता क्या, ये देखो इसको हम लोगों को पहले तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है एक बार, और अब हम लोग जैसे ही इसके ऊपर हाथ मारेंगे मोस्ट प्रॉबली ये चमक जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके अभी रात हो रही है ना, ये वाले को जब हम ये वाले को जब हम रात वाला बना देंगे, वन टू थ्री गो गो, देयर वी गो गाइस, ये चमकना स्टार्ट हो गया। एक बार इसको यहां से देखते हैं, ये देखो न्यू इनकमिंग, देख रहे हो। अब मस्त चीज क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, अगर अगर मेरे को इसको बाय चांस ऐसा बनाना है कि ये रात को जले और सुबह को ना जले टाइप, समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को इसको बस नाइट कर देना है, ठीक है। अब ये नाइट को चलते रहेगा और सुबह को खुद ही बंद हो जाएगा, हर नाइट को खुद ही चालू हो जाएगा और हर सुबह को खुद ही बंद हो जाएगा, मुझे बस इसको पूरा का पूरा ऐसे ढक देना है, ठीक है। ये एरिया मेरे को पूरा का पूरा ढक देना है, और मुझे चाहिए बस एक ओपन एरिया जो कि होगा, इस वाले को तो खैर मैं नहीं ढक पाऊंगा, इसको मेरे को ऐसे ढकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अपना रेडस्टोन आ रहा है ना वर्क, तो इसको हम लोग ऐसे करके ढक देंगे बस एक एरिया को छोड़ के, जो कि अपना वो क्या कहते उसे सनलाइट डिटेक्टर और वो सब, ठीक है। सनलाइट मूनलाइट, वाओ बड़ा सॉन्ग, थैंक यू यार, क्या काम करता हूँ मैं, देख रहे हो तुम लोग, वाओ जस्ट लाइक अ वाओ। अब हमें बस ये देखना है कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जो अपने लाइट डिटेक्टर्स है ना उनके ऊपर इसको नहीं रखना है हमने, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं पूरा का पूरा चारों तरफ से, बस स्लैब्स, अरे यार स्लैब्स भी ख़त्म हो गए क्या, बताओ स्लैब्स ख़त्म हो रहे भाई किस बंदे के, इस बार नहीं, पिछली बार बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने, इस बार गलती नहीं करूँगा। देयर वी गो, इसको ढक देते हैं पूरा का पूरा, बस ये दोनों को छोड़ के, ठीक है, ये दोनों नहीं ढकने क्योंकि ये दोनों हमारे लाइट वाले हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा ढक देंगे, देयर वी गो, बस ठीक है ये हो गए। अब चेक करने वाली बात है कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, एंड उसका एक इजी तरीका है, ये रात को काम कर रहा है राइट, इसको कायदे से दिन में काम नहीं करना चाहिए, तो हम लोग सो के आएंगे और उसके बाद इसकी लाइट चले जाएगी। ये देखो कितना कूल दिख रहा है, और बहुत दूर से पता चल जाएगा हम लोगों को कि कुछ इमरजेंसी हो गई और हमें अपने बंकर के अंदर घुसना है अब, ठीक है। तो ये पूरे टाइम देखो हो रहा है, अब देखो अब अगर हम सो के आते,
आई होप ये दिन में ना जले अभी के लिए, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे करने वाले, बाद में मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि समझ लो ना, अगर कभी कोई न्यू क्यूक आती है तो तभी ये करे, नेचुरल डिजास्टर या फिर न्यू क्यूक आए तो ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टेशन बन जाएगा। एक बार देखते हैं जाके, अभी भी चल रहा है देखो। अब रात को चेक करेंगे हम लोग कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट अभी के लिए तो हम लोगों को इसमें फटाफट से बंकर के लिए अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर देनी है, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले तो थोड़ी सी टॉर्च ला के करनी है। इतनी देर से कैसे यहाँ मॉब्स नहीं आए, थैंक गॉड, बट ठीक है इतनी देर से यहाँ पर मॉब्स नहीं आए तो हम लोगों को उसको इन्जॉय करना चाहिए कायदे से कि मॉब्स नहीं आए यहाँ भाई, वरना तो अभी तक का वापस आते तो क्या भसड़ मिलती है। कूल होगा थोड़ा सा रेडस्टोन टॉर्चेस की हमें ज़रूरत नहीं है कहीं। चलो अभी हम लोग एक चीज़ करते हैं फटाफट, हम लोग यहाँ पर पहले तो थोड़ी सी टॉर्चेस लगा देते हैं अभी के लिए, ठीक है अभी के लिए सिर्फ टॉर्चेस लगा रहो, बाद में प्रॉपर लैंटर्न वाला वर्क कर देंगे, बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉर्चेस से अपना काम चलाना पड़ेगा। देयर वी गो, इसको एक काम करते ना, इसके ऐसे एजेस पे लगा देते हैं, बट इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं हमें, तो ये हट जाए फटाफट से। ये ऐसा कैसे हो रहा है कि इन एजेस पे, ओके माय बैड, इसको हटाओ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, बस बढ़िया है ठीक है। लाइट की लाइट और मस्त का मस्त दिख रहा है, और ऊपर तक का ये थोड़ा सा अजीब है, ये क्यों है वो तुम्हें, अगर मैंने यार पूरा का पूरा बनाया होता ना, बनाते हुए दिखाता तो करता, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही बताऊँ तो सीखना पड़ रहा था बनाते हुए, क्योंकि ये टफ चीज़ है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। अब देखो मैं इसको ऐसा ही बना सकता हूँ कि ये खाली दिन में जले और रात को ना जले, मेरे को बस इन लाइट डिटेक्टर्स को डे कर देना है। देख रहे हो अब ये डे के दिन चलते रहेंगे, बट हमें उल्टा करना चाहिए, सीधी सी बात है कि रात को ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। अब दिक्कत ये होगी कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने पानी डाला, जो कि मेरे पास है भी नहीं, बट अगर मैंने पानी डाला तो दिक्कत में आ जाएंगे हम थोड़ी सी। तो यस, अब हम लोगों को ये करना पड़ेगा, बस ठीक है अब ये बढ़िया करके काम करेगा अपना डे लाइट, मतलब जब भी रात होगी तो ये खुद ही जल जाएगा, और जब भी रात सुबह होगी तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने बंकर के लिए एरिया बनाना है जहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, ये अपना सेंटर है तो ये पूरा नीचे तक का जाएगा। चलो इसको हम लोग पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को चाहिए क्रेजी बंकर, ठीक है। ओए अबे यार, इसका सेंटर गायब जी यार, इसका सेंटर गायब हो गया है दोस्तों, मैंने यार वो सेंटर भी खोद दिया तो वो सेंटर गायब भी हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम लोग ऐसी काम चला लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सेंटर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि मैंने जैसे बोला था ये 15 है, तो हम लोग को बस यहाँ से इसको 5 गिनना है, ठीक है, मतलब 7 गिनना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना सेंटर है, ठीक है। तो हम लोगों को इसके हिसाब से यहाँ पर ऐसे करके पूरे के पूरे स्लैब स्लैब से हम लोग इसको ढक देते हैं, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली इसको पूरा का पूरा बंद कर देना है, बस हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब एक चीज़ कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना ऐसे, तो इसको चार तरह से ऐसे ढक देते हैं, देख रहे दिमाग देख रहे भाई का। अब हम लोगों को क्या कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है, पूरा का पूरा बंकर जो होगा वो अगर हम लोगों को न्यूक प्रोटेक्टेड बनाए, अब देखो दिक्कत क्या होती है न्यूक से, मैं तुम्हें बताता हूँ, न्यूक से ये दिक्कत नहीं होती कि वो फटता है और फिर एरिया पूरा खराब कर देता है, न्यूक से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो एक रेडियो एक्टिव वेव भी छोड़ता है, जो अगर बाय चांस तुम अगर उस धमाके के एरिया में भी नहीं आए ना, बट अगर वो रेडियो एक्टिव वेव्स ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम पूरे, मैं क्या बोलूँ यार, डिफॉर्म हो जाओगे, फिर होने वाले बच्चे भी डिफॉर्म, तुम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो, बहुत ही गंदी चीज़ होती है, तो हम लोगों को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना नीचे हो सकता हो तो नीचे बनाएंगे, मतलब बेडरॉक को ट्राई करेंगे अपनी सरफेस बनाने का, और चारों तरफ लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जो कि बेडरॉक के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इस गेम के अंदर, और ऑब्टेनेबल भी होती है, ठीक है, वरना बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि वो डीप स्लेट क्या कहते हैं, सॉरी एंशियंट सिटी का जो क्या कहते हैं वो होता है यार, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम होता है, वो भी अनब्रेकेबल है और उसके बाद वो तुम्हें मिलता भी नहीं है, तो वो उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, वो जो ऑब्टेनेबल भी है और वो है एक ही चीज़, कॉमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, ठीक है, मैं बताऊँगा इन 3 2 1, ऑब्सीडियन। भाई ऑब्सीडियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन सब चीज़ों में। तो हम लोग क्या करने वाले ना, अभी हम लोग सीधा नीचे खोदने वाले हैं, ठीक है, जितना नीचे तक का हम लोग जा सकते हैं, एकदम स्ट्रेट डाउन जाएंगे, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, जितना नीचे जा सकते ना उतना नीचे तक का जाएंगे, ट्राई करेंगे बेडरॉक हम लोगों का बेस हो इस पूरे के पूरे बिल्ड का। तो चलो देखते हैं हम लोग लाइक लिटरली अगर स्ट्रेट डाउन जा पाए तो बेस्ट होगा, बट मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो अड़चन आनी है, बट कोई बात नहीं, अड़चन भी सही है, हम लोग को पानी चाहिए था, थैंक यू। चलो
इसको हम लोग ढक देंगे अभी के लिए और बढ़िया हो गया, हम लोगों को एक और ऑब्सीडियन प्लेस मिलेगी क्योंकि हम लोगों को इस बार बहुत ज़्यादा ऑब्सीडियन चाहिए होगा अगर हम लोगों को ये पूरा बंकर ऑब्सीडियन प्रूफ बनाना है, मतलब बेसिकली न्यूक प्रूफ बनाना है तो ठीक है। चलो डीप स्लेट आ चुकी है, इसका मतलब हम काफ़ी नीचे हैं। चलते रहते हैं, मिल जाएगी अभी बेड रॉक। भाई मैंने पहली बार ऐसा है कुछ जो मैं बेड रॉक पर बनाने वाला हूँ। वैसे कायदे से हम लोग इसको बेडरॉक के भी नीचे बना सकते थे, बट उसमें एक दिक्कत होती है कि तुम उसमें ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकते। और अगर तुम लोगों को न्यूक प्रूफ बनाना है ना, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली मतलब बंकर कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बंकर नहीं होने वाला है, ये ऐसा बंकर होगा जो हमें कम से कम नहीं भी तो आने वाले 20-30 सालों तक का बचाए। सीधी सी बात है भाई, न्यूक का जो डेंजर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और उसका जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती है ना, जो एरिया वो बनाता है रेडिएशन वाला, वो सालों साल तक चलता है उसी जगह पे। तो हम लोगों को उस हिसाब से रहना है। देयर वी गो, ये हो गया अपना बेडरॉक वाला एरिया, बट हम लोगों को बेडरॉक से बस एक ऊपर रहना है, ठीक है, जिसमें और बेडरॉक ना आए हमारे पास और लेकिन हमारे नीचे बेडरॉक रहे, ठीक है। आई थिंक ये परफेक्ट एरिया है, देख लो और बेडरॉक ऊपर नहीं आ रहा है, बट ये जस्ट बेडरॉक के ऊपर वाला एरिया है, ये परफेक्ट है एकदम। हाँ ये परफेक्ट है एकदम मेरे हिसाब से, यप ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मी, यप ये एकदम परफेक्ट है भाई, ये एकदम परफेक्ट है। अब हमें यहाँ से नीचे और ऊपर जाने का रास्ता देखना है बस कैसे।